इंदौर जिले के बेटमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चिकलोड़ा में मारुति वैन से ले जाई जा रही 8 पेटी देसी शराब जब्त की है। जी हां, हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के चलते जहां एक ओर इंदौर जिले में पूर्ण रूप से शराब बंद है, वहीं धार जिले की सीमा में अवैध रूप से शराब तस्करी का कारोबार जोरों से चल रहा है, जिसके चलते गांव के चौकीदार ने नायब तहसीलदार नीरज प्रजापति को सूचना दी कि ग्राम चिकलोड़ा में लाल रंग की मारुति वैन, जिसका रजिस्ट्रेशन जाकिर खान पिता असगर खान दौलताबाद के नाम से दर्ज है, उस वैन में अवैध रूप से शराब भरी हुई है। तत्काल बेटमा पुलिस को सूचित कर स्वयं ही घटनास्थल पर पहुंचे और मारुति वैन को बेटमा थाने पर लाया गया, जहां थाना प्रभारी संजय शर्मा ने मारुति वैन और देसी शराब को जब्त कर धारा 34(2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया है। बेटमा से विशाल चांदना की रिपोर्ट। हमको सूचना मिली कि शराब की लाल कलर की वैन टूटी हुई हालत में वहां खड़ी हुई थी और उसमें शराब पुलिस की टीम ने 8 पेटी शराब जब्त की है और गाड़ी को थाने पहुंचाया गया विधिवत, और आगे की कार्रवाई गाड़ी का नंबर देख के रजिस्ट्रेशन नंबर उसका निकाल के उसके मालिक पे जो भी कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। और मौके पर तो कोई मौजूद नहीं था, ड्राइवर भी भाग गए थे और मौके पर गाड़ी टूटी हुई हालत में हमको मिली थी। से चौकीदार और नायब तहसीलदार साहब की से सूचना प्राप्त हुई कि एक वाहन मारुति वैन MP43BD03-22 का चालक उसमें शराब भर के ले जा रहा है, जिसे गांव वालों ने चौकीदारों ने रोक के किया है। सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स पहुंची, तब तक उसको गाड़ी को चेक किया तो वाहन मालिक भाग चुका था और गाड़ी से 8 पेटी देसी शराब की जब्त की गई है। प्रकरण कायम किया जा रहा है 34(2) के अंतर्गत और आगे की मिलने पे इनका कहां से लेके आए सोर्स का मालूम किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।